हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, अभी अभी मतलब स्कूल के बच्चे आ रहे थे हल्दुखाल से। स्कूल काफी दूर है, यहाँ नदी पार करके और बहुत दूर जाना पड़ता है। मैंने हल्दुखाल दिखाया था आपको। तो अभी बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे, तो उन्होंने वहाँ मना पानी जो वो है उधर के साइड से वो आ रहे थे पैदल पैदल। तो उन लोगों ने वहां से बाघ देखा जो गाय के ऊपर बैठा हुआ था। तो अभी उन्होंने बोला लाल रंग की गाय थी, और हमारे गांव में लाल रंग की गाय तो सिर्फ दो लोगों की है, दो या तीन लोगों की। तो दो लोगों की गाय तो घर आ चुकी है और 16 लोगों की गाय नहीं आ रही है अभी। तो हम लोग जा रहे हैं वहाँ। और तो गाइस, जो ये गन है नकली, ऐसी मतलब गन है, खाली साउंड वाली गन, मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में। और चाचा लोग तो काफी नीचे ढूंढ ही रहे हैं वो लोग। मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। ये देखो, कुछ लोगों की गाय तो आ चुकी है, और वो देखो चाचा और वो सौरभ है, वो लोग अपनी गाय ढूंढ रहे हैं नदी के साइड के लिए। और अभी हम लोग भी जा रहे हैं बस उधर ही। मतलब ये बाघ का जो आतंक हो रखा है ना, हद से ज्यादा हो रखा है, हद से ज्यादा। जिसे कहते हैं कभी किसी कुत्ते को मार दे रहा है, उस दिन उन चाचा पे आ गया था घर के सामने इतने पास, और अब देखो किसी गाय को मार दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहां देखने के लिए, क्योंकि मेरे पापा लोग जब टैक्सी से आ रहे थे वो मनापानी के रास्ते, तो वहां से भी उस पार से भी यहाँ दिखता है। तो पापा लोगों ने वहाँ गाय देखी थी उस टाइम पे, तो काफी लाल रंग वगैरह और बहुत सारी गायें थी वहाँ। तो अभी जाते हैं वहाँ देख के आते पहले, ठीक है? बाघ ने गाय ने गाय को मार रखा, यहाँ बताना खेलने के लिए, नीचे बताना रे वहाँ। तो गाय से अभी हम जा रहे हैं, पापा लोग चले गए आगे और चाचा लोग भी आ रहे हैं वहीं नीचे से। पापा चले गए, कालू जल्दी ला घर गाय, बाघ ने वहां किसी गाय को मार दिया, बल जल्दी ला घर। जब हम वहां नीचे थे तो हमने भी घूरने की आवाज सुनी थी बाघ की, तो हम लोग भी जल्दी घर आ गए। तो उसके बाद उन दो बच्चों ने हमको बता दिया इस चीज के बारे में कि ऐसा हो रखा है। तो हम लोग तो वहाँ खेतों में थे, तो हम उनके पास नहीं आ पाए, दूर से सुना हमने। पर हमारे गांव का एक छोटा बच्चा था, उनको उसने उन्होंने उसको फोटो दिखाई, और भी बाघ था बिल्कुल गाय के ऊपर बैठ रहा था। तो अभी चलते हैं, पहले देख के आते हैं। पानी के पास तो हम पहुँच चुके हैं गाइस, चलते हैं अभी आगे। देखो हमारे गांव के लोग, दिखाता हूँ आपको, आधे लोग तो वो खड़े होकर देखो, और कुछ लोग वहाँ ऊपर है घास के लिए जा रहे हैं। तुम देख जल्दी कमा रहे हाँ सौरभ, चला जाओ। अरे अकेले मत जाओ, ऊपर से, ऊपर से अकेले मत जाओ। हाँ फायर लेके आ रहे चाचा हम, वैसे पटाखे भी ला रखे हम। अरे दादी, अरे हमने सोचा लड़के मजाक कर रहे शायद। अबे क्या गोड़ मारो यार, अरे यार, अरे छोला पकड़ जाओ, गप हुई है जितने आ रहा हूँ, फैले आ रहा हूँ। हम बोल सुन घूरना आवाज से, हम से हम हाँ बोलिए, हम सुन आवाज दादा मैदान था बोल के कर जाएंगे, हम पड़ा पड़ू बोल आएंगे, हम बोल आता हम ए दी गोड़ हम लगा छी तुम्हारे ए वोल गोड़ जे कहां कोने रे ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाए तो देखो जब अपनी फेर ही तो अपन कर लो, बहुत तेज आवाज दे रहा था तुम फेर करो एक, चल फेर लोड कर रहा भी नहीं करना फेर। दादी और भी आ गए और बाकी लोग नहीं आ रहे ऊपर से। गाइस हम नदी के सामने पहुंचने वाले बस, और यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता है, और अभी यहीं से जाना है बस ऊपर के लिए, पहुंचने वाले बस हम, थोड़ा सा रह गए यहाँ से। बुझे ना बुझे ना बुझे ना जाओ ना बुझे ना, हम घर वाले सब डूंगा सब बर्बाद मार जम गो डाडा समझे जम गो दिनो डाडा समझ कर आओ खेलो खेलो चल चल सर, नदी के रास्ते जाएंगे या झाड़ियों में खतरा हो सकता है, कटाई जो पर झाड़ी के रास्ते मत जाओ। हम लेके आओ लक्ष्मी
एक धड़क नहीं आदि मान लो इन देखा हम टक टक नजर लगे घास बुनी से डाल नहीं लो सब साथ रहो हां डर ना आ कोई डर ना अब गुनाड़ गया भाई डर नहीं से कभी ना रब कर दिया घर एक थोड़ा आगे से करना ये फिर करो आराम जा आराम जा अरे वो बोल मैं बोल जो मना पानी वाला था ना वो इन्हें बे बोल उल दूंगा हम ब्याक बोल मुना मात बैठ रहे बोल बात आई नहीं बालू देख ले पता खतरा है क्या शुभम वो कर दे भैया वो ये क्यों बाल बाग ये बाल बाग वो नाना भैया कुछ हॉल ये बाल बाग चलो सब चलो ना चलो आला अरे यार कैसे मार दी गाई गाइस ने इसका बच्चा होने वाला था जाओ तुम चलो यहाँ देखो बाघ के पंजों के निशान ये देखो बाघ के पंजे के निशान गाय को मार दिया और जब इन्होंने ऊपर से देखा था अरे मार दे गोड़ दूर है ना दूर ताई लोग भी आ चुके हैं और चाच लोग गाय थी उल दिया यार अरे देखो सारा खून पी दिया और ये देखो मार दिया गाय को अरे गाइस बहुत ज्यादा खतरा हो रखा है लंगूर तो बोल लगोना पे लगोना उल दिया जो उपल साल अरे यार अरे अबे हम जो अपने बंदर बाल हमारे गोर छिपा रूम जब कागल बाल हमारे जी तो गाइस देख रहे हो आप कितना दहशत हो रखा है दिन दोपहर यहाँ गाय को मार दिया इस गाय का बच्चा होने वाला था अभी कुछ महीने बाद और देखो गाय को मार दिया और ऐसी उस दिन घर के सामने भी आ गया था बाघ और कुत्ते को भी ऐसी मारा बाघ ने देखो कुत्ता तो मिला भी नहीं गाइस पर गाय देखो खून पी दिया उसने उसका पूरा और मार दिया गाय को बहुत ज्यादा डर हो रखा है यहाँ गाँव में बाघ का आप देख सकते हैं कैसे गाय को मार दिया और काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे यहाँ पे देखो पहले हमने सोचा लड़के मजाक कर रहे शायद फिर देखने के लिए आया यहाँ देखा तो देखो क्या हो रखा है बहुत ज्यादा डर हो रखा है गाइस और यहाँ एक ही नहीं बहुत सारे बाघ हो रखे और अभी आप टाइम दो कितना हो रखा अभी अभी यहाँ देखो अभी 5 बज रहे 5 भी पूरे नहीं बज रखे अभी और दिन दोपहर पता नहीं कब मार दिया तो स्कूल वाले बच्चों ने देख दिया था उसके बाद हम घर गए फिर आए तब देखा तो देखो ये रहा
अरे स्कूल के बच्चे गाइस आप देखिए वहाँ, वो देखो वहाँ से देखा उन बच्चों ने, वहाँ से जाते हैं वो पूरा और हल्दू खालता जाते हैं पैदल पैदल, और उसके बाद देखो उन्होंने वहाँ से देखा उन्होंने खाते हुए, जब उन्होंने तो बाकी फोटो भी खींच रखी है। मैं उन लोगों से फोटो मांगूंगा गाइस और फिर दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मतलब कितना ज्यादा डर हो रखा है, बहुत ज्यादा डर हो रखा है। देखिए नदी के कितने पास है यहाँ पर, गाय का पानी पीने के लिए आती है यहाँ पे, और यहाँ पर से स्कूल का रास्ता भी है, यहाँ पर से स्कूल के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, और यहाँ पूरे निशान देख सकते हैं आप, बाघ ने बिल्कुल दौड़ा रखा है, और अभी भी इधर ही कहीं हो सकता है बाघ, हम तो काफी सारे लोग एक साथ रखे तो इस टाइम पे डर नहीं है, पर हो सकता है कि वो इधर ही कहीं हो। और गाइस मतलब इतना ज्यादा खतरा हो रखा है, देखो बच्चों के लिए भी खतरा, लोगों के लिए भी खतरा, गाय के लिए, जो घर के लोग है, गाँव के लोग है, सब चीजों के लिए इतना खतरा हो रखा है। अभी कुछ टाइम पहले जब वहां उस दिन कुत्ता मारा था तो यहाँ पनापाड़ी के साइड में यहाँ पर बकरी भी मारी थी किसी की, देखो आप गाइस वो देखो देखो, और इसमें कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, और ये देखो ये एरिया जंगलात के एरिया में नहीं आता, गाय मर गई, नुकसान हो गया, पहले तो जानवर मार दिया किसी का, और उस गाय का बच्चा नाल था कुछ महीनों बाद, गाइस देख सकते हैं उसका पेट और सारा खून पी दिया उसका, बहुत बुरा हुआ गाइस। हाँ पितर पूछ दी पितर बल छोला मारा, जब खान थोड़ी छोला था बोलू मारी छोला का पितर पूछ बोलो, मतलब गार चला क्या करना भी है ना, कौन मार दिया घोड़ एक घोड़ बिहार साहब है, अरे अरे यहाँ जंगलात का एरिया भी नहीं है इसका, कुछ वो भी नहीं होगा है। गाइस देखो सभी लोग जा रहे हैं ऊपर घर के लिए, अब कुछ तो कर सकते हैं नहीं, गाय मार दी उसने, देखो वहां से आ रहे थे बच्चे, वो दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वहां पर मनाकाड़ी गाँव है, और वहां से स्कूल के रास्ते बच्चे आ रहे थे, और झाड़ियां आप देख सकते हैं गाइस, मतलब इतनी ज्यादा झाड़ियां, स्कूल के बच्चों के लिए भी इतना ज्यादा खतरा हो रखा है, बहुत ज्यादा खतरा देख सकते हैं नदी, और अभी अभी तो रात भी नहीं हो रही, और बच्चों का स्कूल का टाइम यही होता है 4 बजे, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है, और उसके बाद तब बच्चे इस टाइम पर आते रहते हैं पैदल पैदल, और यहाँ देखो क्या झाड़ियां हो रही है पीछे पूरी, इधर भी हर तरफ, इधर कहीं भी हो सकता है वो बैठा हुआ, तो अभी सब लोग पहले घर चलते हैं। ढूंगा चढ़ा झूंगा ढूंगा चढ़ा ले एक बार ढूंगा चढ़ाओ गाइस, वो देखो ताऊ जी आ रहे हैं पैदल अकेले अकेला, और ऐसे ही स्कूल के बच्चे भी आते हैं, वो दिख रहे हैं आपको ताऊ जी वो देखो, और अगर अभी हमें पता नहीं चलता यहाँ पर बाघ ने इसको मार रखा है तो ताऊ जी ने फिर भी अकेले अकेला अंतर, डर देख रहे हो कितना डर बन रखा है यहाँ, इतना ज्यादा डर हो रखा है कि क्या बोले, देखो गाय मार दी हम थपड़े वाला। तो गाइस अभी ताऊ जी आएंगे उसके बाद फिर हम चले जाएंगे घर ताऊ जी के साथ, और क्षेत्रीय जनता के लिए भी इतना ज्यादा दहशत हो रखा है, स्कूल के बच्चों के लिए, हर चीज के लिए, लोग यहाँ घास के लिए, लकड़ियों के लिए जाते हैं, मैंने आपको दिखाया था मैंने आपको वीडियो में कि घास काटने के लिए कितना दूर जाना पड़ता है जंगल में, और अभी देखो अभी शाम के 6 भी नहीं बज रखे और उसने वहां गाय को मार दिया, इसी कहीं जंगल में किसी आदमी को भी पे भी हमला कर सकता है, और घर के सामने भी आया था बाघ, मैंने आपको वो भी दिखाया था, उन चाचा जी पे हमला किया था बाघ ने, जो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले, बहुत ज्यादा दहशत हो रही है बाघ की, हद से ज्यादा।